आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने स्मार्टफोन को सीसीटीवी कैमरा कैसे बनाएंगे। कभी कभी ये होता है कि हम नया मोबाइल लेते हैं तो हम जो पुराना मोबाइल होता है या तो उसको बेच देते हैं या बच्चे को दे देते हैं खेलने के लिए। तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप और डिटेल से बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन को जो पुराना वाला मोबाइल फोन है उसको सीसीटीवी कैमरा कैसे बनाएंगे। सो आज मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप और डिटेल से दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने पुराना फोन जो है रखा हुआ मोबाइल जो है उसको किस तरीके से सीसीटीवी कैमरा बनाएंगे। और मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि आईपी जो होता है वो क्या होता है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि दुनिया के कोई भी कोने में आप क्यों नहीं बैठे हो, आपके घर पे क्या हो रहा है और सीसीटीवी कैमरा बनाया है उसमें आप कैसे देखेंगे। दुनिया के कोई भी कोने में आप क्यों नहीं बैठे हो, आप बहुत ही ईजिली अपने जो सीसीटीवी कैमरा है उसको आप एक्सेस कर सकते हो। तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन को जो पुराना वाला है उसको सीसीटीवी कैमरा कैसे बनाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने मोबाइल को सीसीटीवी कैमरा बनाने के लिए आपको प्ले स्टोर से आईपी वेब कैम अप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 10 मिलियन प्लस में डाउनलोड है, तो आप समझ सकते हैं कितना बढ़िया और कितना अच्छा ये एप्लीकेशन है। यहाँ देख रहे हैं इसकी रेटिंग जो है 3.9 का है और ये ज़्यादा एमबी का भी नहीं है, 20 MB का है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको ओपन कर लेना है। इसका आइकन देख रहे हैं, ये आइकन आपको ध्यान में रखना है कि कैसा आइकन है, ठीक है। इसको ओपन करेंगे, ओपन होते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से आपको यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ भी छेड़खानी कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है आपको, और नीचे आएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा स्टार्ट सर्वर का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं यहाँ परमिशन का ऑप्शन आ रहा है, इसको आपको परमिशन दे देंगे। इस तरीके से आपको परमिशन मांगेगा, परमिशन दे देना है। परमिशन देते ही यहाँ पर देखिए कि आपका जो है वेब कैम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ हेल्प, यहाँ पे है गेट प्रो और यहाँ पे आपको एक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ मोर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको इसको छेड़खानी नहीं करना है, यहाँ से बैक आ जाना है। आपको क्या करना है, अपने जो है सीसीटीवी कैमरा बनाने के लिए अपने मोबाइल को यहाँ एक्शन वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको देखिए फोकस का ऑप्शन मिल जाता है स्टॉप का, तो ऐसे ही स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि शेयर आईपी और यहाँ पे कॉपी आईपी टू क्लिपबोर्ड, तो यहाँ पे शेयर आईपी पे क्लिक करके आप इसको किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप जो है किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, मेल आई डी पे, ब्लूटूथ से। यहाँ पर देखें ईमो का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है जिस पे आप बहुत ही इसको इजीली शेयर कर सकते हैं। या सिंपली बैक आएंगे और फिर से एक्शन पर जाएंगे और यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉपी आईपी टू क्लिपबोर्ड, ये जो होता है आईपी, यही यहाँ पे जो है बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होता है। ये जो आईपी जो होता है, वही आईपी जो होता है, ये आईपी से आपको दुनिया के कोई भी कोने में बैठे रहिएगा तो यही आईपी जो कॉपी किए रहिएगा। ये जो आईपी होता है यही बहुत ही ज़्यादा और मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ये जो आईपी रहेगा, आईपी जो यूआरएल लिंक रहेगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वो दुनिया के अगर आप कोई भी कोने में बैठे हुए हैं तो वहाँ पे अपने स्मार्टफोन पे या लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, कहीं पे भी जो आईपी जो यूआरएल रहेगा वो डाल के आप बहुत ही इजीली आप अपने घर का या घर में लगाए हुए सीसीटीवी कैमरा बनाए हुए अपने मोबाइल को तो या शॉप में या कहीं भी लगाए रखे हैं तो बहुत ही ईजिली आप वहाँ से बैठ कर उसको मोनिटर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कॉपी आईपी टू क्लिप बोर्ड पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए यूआरएल का ऑप्शन आ चुका है, इसको आपको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट करके रख लेना है। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्शन वाले पर जाएंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और मिल रहा होगा रन इन बैकग्राउंड, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ओके आई गेट इट पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आप कैमरा से बाहर आ जाएंगे और आप जो बनाए हुए हैं अपने मोबाइल को सीसीटीवी कैमरा वो यहाँ पे चालू है। तो इसके लिए क्या करेंगे, वही जो कॉपी किए थे आपका जो यूआरएल वो आपको याद रखना है,
उसको आप दुनिया के कोई भी कोना में बैठे हुए हैं अपने स्मार्टफोन पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, बहुत ही उसको जो URL था उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए, उसको कहीं भी पेस्ट कीजिए कोई ब्राउज़र में ओपन करके, वहाँ से आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपने जो बनाए हुए हैं CCTV कैमरा, तो आप जो CCTV बनाए हुए हैं वो दुनिया का कोई भी कोना में से बैठ के देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, यहाँ ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ इस तरीके से क्रोम ब्राउज़र, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा क्योंकि मैं यहाँ पे कॉपी किया था। और यहाँ पे आपको जो है कहीं भी दुनिया का कोई भी कोना में बैठे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको जो एड्रेस था URL उसको आपको टाइपिंग करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। पेस्ट करते ही यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन यहाँ पे मेरा आ चुका है। ये जो होता है ऊपर जो आप देख रहे हैं वही मेन ऑप्शन होता है IP, तो ये आपको नोट कर लेना है। इसी तरीके से आपको भी मोबाइल में आएगा, तो आपको क्या करना है, ये वाला आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, नोट कर लेना है, और दुनिया का कोई भी कोने में बैठे रहिएगा, बस आपको ये वाला डालना है अपने स्मार्टफोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, तो बहुत ही इजीली जो आप CCTV कैमरा बनाए हुए हैं, तो आप अपने स्मार्टफोन को जो CCTV कैमरा बनाए हुए हैं उसको बहुत ही आसानी से आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर मेरा आ चुका है, मैं यहाँ से इसको गो वाले पर क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही यहाँ पर यहाँ पर देखिए मेरा जो CCTV कैमरा था ये यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे पूरा यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है CCTV कैमरा का। यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं फ्लैश, आप जो वीडियो रिकॉर्डिंग जो कि हो रहा है CCTV कैमरा में, यहाँ उसका फ्लैश भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है आपको JavaScript का, इस पर क्लिक करेंगे। ऐसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए जो आपको CCTV कैमरा बना हुआ है वो यहाँ पर चालू हो चुका है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा यहाँ पर मोबाइल रख रखे हैं, तो यहाँ पर मोबाइल मेरा आ चुका है इस तरीके से। यहाँ पर Realme का मेरा मोबाइल है, यहाँ पर मेरा मोबाइल आ चुका है इस तरीके से, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मेरा यहाँ पर लैपटॉप है, यहाँ पर चार्जर है, इस तरीके से यहाँ पर आपको ढेर सारा CCTV कैमरा में कुछ भी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं उसको बहुत ही इजीली आप यहां से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहां पे देखिए आपको जो CCTV कैमरा यहां पे चालू हो चुका है। देखिए मैं जैसे यहां पर हाथ दिखाता हूं इस तरीके से, यहां पर देखिए यहां पर मेरा हाथ आ चुका है, इस तरीके से मैं हाथ दिखाऊंगा तो इस तरीके से मेरा हाथ भी आ जाएगा। इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, यहाँ पर देखिए रिकॉर्डिंग कंट्रोल का, यहाँ से आप अपना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसका कोई नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे रिकॉर्डिंग जो रेड वाला आइकन है इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते यहाँ पर देखिए आपका जो रिकॉर्डिंग टू, और यहाँ पे आपका ऑप्शन आ चुका है इस तरीके से, यहाँ पर आपका रिकॉर्डिंग हो चुका है। मैनुअल करना है तो सिंपली यहाँ पे इस पर क्लिक करके इसको आप देखिए रिकॉर्डिंग मैनुअल हो चुका है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, यहाँ पर अपना जो रिकॉर्डिंग है उसका यहाँ पर टाइमिंग डाल सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कीजिए 1 घंटा 2 घंटा 30 मिनट 10 मिनट 5 मिनट का भी यहाँ पर आप जो CCTV कैमरा का रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो आपको कैमरा यहाँ पर चल रहा है CCTV कैमरा, इसको आप यहाँ पे टेक फोटो पे क्लिक करके इसका फोटो भी ले सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे रख रखा हूँ, यहाँ टेक वाले पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ फोटो आ जाएगा, यहाँ पर देखिए फोटो आ चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्लिक करके फोटो भी ले सकते हैं। चलिए हम बैक आ जाते हैं, इस तरीके से हम बैक आएंगे और यहाँ पर देखिए टेक फोकस, मतलब अगर आप फिर से यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको JavaScript करके यहाँ पर आपको कैमरा को ओपन कर लेना है। और इसी तरीके से अगर आप कैमरा लगा रखे हैं, आप कोई चीज़ का फोकस करना चाहते हैं तो टेक फोकस फोटो पर क्लिक करके उसको फोकस भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सेव टू स्टोरेज, इसको स्टोरेज मेमोरी में सेव भी कर सकते हैं। इसी तरीके से टेक फोकस फोटो को यहाँ पे सेव कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और यहाँ पे जब आपको रिकॉर्डिंग चल रहा है इसको आप जूम भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जूम का ऑप्शन, इस तरीके से इसको जूम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ इतना पर रहने देता हूँ और यहाँ से आप देख लीजिए इतना पे आ चुका है। अगर जूम करना है तो सिंपली आप इसको बढ़ा दीजिएगा, यहाँ पे जितना जूम करना चाहते हैं इसको यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए पूरा आ चुका है कैमरा। और इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको मिनिमाइज करूँगा, कम करूँगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको मैं कैमरा दिखाता हूँ इस तरीके से, यहाँ पर देखिए आपका कम हो चुका है। सो इस तरीके से आप इसको कम कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आपका जो है स्टैंड क्वालिटी मिल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑटो फोकस होल्ड मिल जाता है, LED फ्लैश भी मिल जाता है यहाँ पर आपको। यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मेरा यहाँ पे बैक कैमरा है, आप चाहे तो इसको फ्रंट कैमरा भी अपने जो CCTV कैमरा बना रखे हैं उसका फ्रंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है जो आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पर जो मेन ऑप्शन था मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको अपने स्मार्टफोन को किस तरीके से CCTV कैमरा बनाएंगे। कई बार ये होता है कि हम अपने शॉप में या घर में CCTV कैमरा लगाते हैं कोई भी पर्सन पे, किसी पे नज़र रखने के लिए कि वो क्या कर रहा है, और इस स्थिति में मेरे पास पैसा नहीं होता है CCTV कैमरा लगाने का, क्योंकि CCTV कैमरा अभी कुछ कॉस्टली आता है। तो आपके घर में कोई भी पुराना जो मोबाइल रख रखे हैं स्मार्टफोन, उसको बहुत ही ईजिली आप यहाँ से CCTV कैमरा बना सकते हैं और आपका कुछ पैसा भी सेव हो जाएगा। और इस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन में CCTV कैमरा बना के
किसी भी पर्सन पे, कोई भी सामान पे बहुत ही अच्छी तरीके से उस पर आप नज़र रख सकते हैं। और आप दुनिया के कोई भी कोने में बैठे हो तो आप वहाँ से अपने स्मार्टफोन से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से आप सीसीटीवी कैमरा को लाइव देख सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो आज के वीडियो में आपने जाना है किस तरीके से हम अपने पुराना फ़ोन जो रखा हुआ है, स्मार्टफोन है, उसको किस तरीके से सीसीटीवी कैमरा बनाएंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।